रसों का भी समूह, उसको रास और लीला जो भगवान ने लीला ही की। और इसलिए रासलीला शब्द ये है। रासलीला का मतलब ये नहीं है कि दुष्चरित्रता। प्रेमानंद जी महाराज जो वर्तमान में हैं, श्री वृंदावन निवास करते हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, सन्यासी थे। रासलीला देख करके बनारस से, अपनी रासमंडली की रासलीला देख रहे थे, बनारस से पैदल पैदल चल दिए और श्रीधाम वृंदावन आ गए। आज उन पर जो भी कृपा है वो रासलीला की है। दुर्भाग्य थोड़ा सा ये है कि आज भारतवर्ष में हम भारतीय होकर के अपने मूल रूप से दूर होते जा रहे हैं। उस पर उस लीला को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, अपनी संस्कृति की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से दर्शन करें तो उसका अनंत लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं जिनका वर्णन कई संकीर्तन मंडली और कई कथावाचकों द्वारा किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रासमंडल से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से रासलीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त श्री कुंज बिहारी शर्मा जी हैं। कुंज बिहारी जी, सबसे पहले बताएँ कि रासलीला क्या है और कहाँ से ये परम्परा शुरू हुई? रास का वर्णन श्रीमद् भागवत में तो है ही है, परम लीला के माध्यम से आज से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व ब्रज में संत घमंड देवाचार्य बरसाना के निकट कैरहला ग्राम में रहते, उनको भगवान ने, श्री राधा कृष्ण ने स्वयं आदेश दिया कि आप घनघोर कलकाल आने वाला है, ब्रज लीलाओं को, मधुर लीलाओं को प्रचार प्रसार करें, क्यों घनघोर लोग साहित्य पढ़ नहीं पाएंगे तो लीला के माध्यम से। संतों ने शुरुआत की, सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्री घमंड देवाचार्य जी, उसके समकालीन संत श्री स्वामी हरदास जी जिन्होंने बिहारी जी का प्राकट किया, श्री हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा की, और समकालीन जितने भी अष्टाचार्य भी थे बल्लभाचार्य, सबने इस विधा का अनुमोदन किया और स्वागत किया। और पहले सबसे पहली रासमंडली संतों की थी जिन्होंने ब्रजवासी बालकों को लेकर के उनको श्रीमद् भागवत के आधार पर, विष्णु पुराण के आधार पर, भक्तमाल के आधार पर लीलाओं का मंचन सिखाया। जब से ये लीला का शुभारंभ हो गया, पहले ही लीलाएं साधारण स्तर से होती, जैसे जैसे उत्तर उत्तर माइक की व्यवस्था भी नहीं रहती थी, साधारण ढंग से होती थी, उस समय माइक थे भी नहीं, तो साधारण ढंग से होती थी। और साधनात्मक जो हमारे पूर्वज हैं राम कृष्ण जो भी हैं, उनको हम लीला के माध्यम दर्शन करें, फिर उनका हमारा सहज चिंतन बने जिससे उनसे हमारा संबंध जुड़ सके, मूलतः से हमारा स्वरूप क्या है इसका ज्ञान हो सके, हम इस विधा में सहचरी रूप से, सखा के रूप से, गोपी के रूप से, नंद यशोदा के रूप से, जो जो हमारे पांचों रस हैं उनमें जिसमें हमारी प्रीति है, नौ रस कहे गए हैं उपासना के पांच साधन हैं, तो उनके हिसाब से जिसमें हमारी वात्सल्य में हमारी रुचि है वात्सल्य में, मधुर में दास में और सख्य में सख्य में, ऐसी जो उपासना के आधार है उसका हम सही से लीला के माध्यम से भगवान से जुड़ सके। तो ये मनोरंजन का विषय भैया जी कभी नहीं रहा, साधना का संतों ने सरल माध्यम दिया और जब से अब तक ये विधा चला रही है। फिर तत्कालीन जो सरकारें थी उसका भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि इतनी सुंदर विधा है। तो 86 में फ्रांस में भारत महोत्सव में ICCR के द्वारा दोबारा अपने इस संस्थान को भेजा गया,
मेरे परम पूज्य पिताजी स्वामी श्री राम शर्मा जी को इस विधा के लिए महामहिम राष्ट्रपति शंकराचार्य जी ने सम्मानित भी किया। तो यहाँ पर भी और बाहर भी कृष्ण चरित्र इतना मधुर चरित्र है, इसका भारतवर्ष में तो लोग आनंद लेते ही हैं, बाहर भी जाते हैं तो इसका भरपूर आनंद लेते हैं। देखा है विदेशों में काफ़ी क्रिश्चियन डिवोटीज हैं जी जी। लेकिन कैसे उन लोगों तक कैसे रासलीला का, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रज भाषा में रासलीला होती है, तो विदेशों में लोग कैसे जान पाते हैं इस लीलाओं के बारे में? अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे, ट्रांसलेटर आ गए हैं, पर उस समय भी 83 में हम इस में थोड़ा सा पीछे, टेक्नोलॉजी के मामले पीछे रहे। उस समय भी ये व्यवस्था थी, उसमें भी दुभाषिया रहते, उसको एक्सप्लेन करते पहले, और जाने से पहले बुकलेट छप जाती है, उसकी स्क्रिप्ट छप जाती है पूरी, तो उसके आधार पर उनको भी डिलीवर कर दी जाती है, वो पढ़ते हैं, फिर दृश्य के माध्यम से उसको समझते हैं, उत्सुकता रहती है जानने की उनकी। लंदन की बात है, माखन चोरी लीला हो रही थी, माखन चोरी में जब लीला पूर्ण हो गई तो वहाँ के जितने भी थे जो प्राय प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए थे, आ करके श्री कृष्ण का उचिष्ट प्रसाद ले ले करके गए। और दुर्भाग्य थोड़ा सा ये है कि आज भारतवर्ष में हम भारतीय होकर के अपने मूल रूप से दूर होते जा रहे हैं, उस पर उस लीला को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, आपकी संस्कृति की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से दर्शन करें तो उसका अनंत लाभ होगा। हमने देखा है कि भागवत कथा चलती है, भागवत कथा और रासलीला क्या अंतर है दोनों में? ईमानदारी से कथा का फल ही लीला है। वर्षों से कथा में जो झांकियां दी जाती हैं लीला की, उसमें पूरा चित्रण नहीं किया जाता। तो कथावाचकों से मेरे विनम्र प्रार्थना है, और वो चित्रण वक्ता के रूप में करें तो उसका और सुख रहेगा। या तो लीला प्रसंग पूरा दर्शन हो, कथा में भी लीला दर्शन हो सकता है, ऐसी बात नहीं, पर पूरा हो नहीं पाएगा, क्यों आज इतना समय नहीं है। 3 घंटे कथा होती है, उसमें भी झांकियां देती तो मूल कथा कम रह जाती है, कम रह जाती, उसमें झांकियां देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप उस लीलाओं का चित्रण करें जो श्रीमद् भागवत में है या रामकथा में है या भक्तमाल कथा में, उसमें झांकियों की आवश्यकता ही नहीं। उनका प्रस्तुतिकरण के लिए ब्रजवासियों ने, के लिए संतों ने ब्रजवासियों को चुना, रासली मंडली दी, तो उनको भी अवसर देना चाहिए, उसमें पूरा चित्रण हो, और एक मापदंड होना चाहिए मर्यादा से लीलाएं हो। इसमें भी बहुत असर हो रहा है, जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो उसका प्रस्तुतिकरण भी ढंग से नहीं हो पाए। पहले करने वालों को उसमें जीवन जीना पड़ेगा। आज बड़ा जल्दी लोग ना देखा है ना सुना है ना करे और कार्य करना शुरू करते हैं, तो उसमें सफलता भी नहीं मिलती है और अपनी आध्यात्मिक उपेक्षा होती है जो हंसी का कारण बनती है। इसलिए पूरी तरह से जान करके इस विधा को, और मेरा तो भारत सरकार की ओर से कहते हैं अवार्ड देने की जरूरत नहीं है, हम पर सबसे बड़ा अवार्ड तो श्री कृष्ण की लीला कर रहे हैं, हम श्री राम की लीला कर रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए कौन सा गौरव की बात है, सम्मान, ये भौतिक सम्मान हमारे लिए सम्मान नहीं है। हम विनम्र प्रार्थना भारत सरकार से करना चाहते हैं, इस विधा की ओर ध्यान दें और इस उत्तर उत्तर इसको बढ़ाएं। ये कुछ अलग नहीं है, ये हमारी संस्कृति है जिसे हम भूल चुके हैं। बच्चों को आजकल स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता, अब क्या रहे, या तो हमारे मंचन के माध्यम से या कथाओं के माध्यम से, संतों के मुख से या कथाकारों के माध्यम से श्रवण करने मात्र रह गया, श्रवण करने मात्र, नींव जो है हमारे बच्चे हैं, भविष्य हमारा बच्चे हैं, उनको बचपन से ही ज्ञान मिलना बड़ा आवश्यक है। हमने देखा कि एक उच्च स्तरीय पे आप लोग रासलीला का जो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे हैं, महिलाएं जो किरदार रहता है, महिलाओं का किरदार रहता है, वो भी पुरुष लोग अपनाते हैं, क्यों महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ा जाता है ऐसे रासलीला? ये भैया जी, इसमें विचार करने की बात नहीं है, जिस समय ये विधा प्रारंभ हुई, आज भी माताओं की बड़ी बंधन है, उनको पुरुषों जैसी स्वतंत्रता तो नहीं है,
और कुछ धार्मिक कारण भी हैं, कुछ आध्यात्मिक कारण हैं, कुछ पर उनकी परिस्थितियाँ हैं। दूसरा, इस विधा को लिए चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। ये ग्लैमर का साधन नहीं है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। एक भूल हो गई तो उस भूल का परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। चरित्र ठीक रहे, प्रायः जहाँ दोनों रहेंगे तो चरित्र पर तो असर आएगा निश्चित रूप से। तो इसमें जब हम किसी को अच्छी वस्तु देना चाहें तो उसमें गंदगी लगी हुई ना हो, बिल्कुल स्वच्छ जाए। इसलिए चरित्र को देखते हुए संतों ने इसको पुरुष वर्ग से लिया। आज भी ऐसी बात नहीं, माताएं नहीं कि माताओं द्वारा भी कि उसमें बच्चियां ही बच्चियां हैं। अब ये हमारे वृंदावन में भी एक ग्रुप है जो बच्चियों द्वारा अभिनय का ये क्षेत्र में चलाती हैं, पर उसका मूल कारण है चरित्र। चरित्र हमारा पवित्र हो, हम भारतीय हैं, चरित्र को सबसे पहले स्थान है। हमने जैसे अभी चरित्र की आप बात कर रहे हैं, हमने कई ऐसे देखे कि कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं, लेकिन कई ऐसे मंचों पे, कुछ ऐसी रैलीज में या कुछ ऐसे जैसे ग्रुप निकलते हैं, उसमें अश्लीलता जैसे कई वाक्य ऐसे सामने आए हैं जिसका लोगों ने निंदा भी की है, ऐसे क्या कहना चाहते हैं सर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत प्रश्न किया। हमारे सरदार भाइयों से हम इतने प्रभावित हैं एक चीज़ के लिए, उन्होंने आज एक मर्यादा बना रखी है वाणी ग्रंथ की, एक मर्यादा है। आज इस ओर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको भी, हमको भी, सबको। हमारे जिनको हम भगवान कहते हैं, हमारे आराध्य भी हैं, पूर्वज भी हैं, उनको शादी विवाहों में या रोड पर एक मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उनके स्वरूप पर अंकुश लगाना चाहिए। हम अपनी ही आलोचना आप ही कर रहे हैं। अब ये स्वरूप गिरा दिया है, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, उसमें दोषी समाज है। समाज के साथ साथ हमारे भारत सरकार भी है, चाहे किसी की सरकार हो, हमें किसी से कोई नहीं है, सभी हमारे अपने परिवार में कोई यद पवित्र रखना है तो बच्चों को संस्कार देने होंगे, और देश को सही रखना है तो हमारी जो भी देशवासी हैं इस संस्कृति को बचा के रखना होगा। जिस देश की आप इतिहास उठा के दें, जो देश अपनी संस्कृति को न बचा पाया वो नष्ट हो गया। क्या रासलीला से किसी का हृदय परिवर्तित हो सकता है, जहाँ इस भक्ति मार्ग में वो प्रवेश कर सकता है? कुछ ऐसे उदाहरण? कितने उदाहरण बताएं आप। पूज्य श्री राधा बाबा, जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कल्याण पत्रक संपादक, जो अपने लीला से बड़े तर्क वितर्क थे, परंतु जो श्री कृष्ण के स्वरूप बनते थे वो वेदांत पढ़े हुए थे, ज्ञान मार्गी थे, श्री कृष्ण से प्रेम से संबंधित वो प्रश्न करते। वो बालक जो बने हुए थे उस समय, वो हमारे गुरुदेव थे पूज्य श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी, उनसे प्रश्न करते। वो 10-12 साल के बालक जो हैं सभी प्रश्नों का जवाब देते होंगे, और आपको आश्चर्य होगा उनका नाम ही चक्रधर से श्री राधा बाबा नाम पड़ गया। हित प्रेमानंद जी महाराज जो वर्तमान में हैं, श्री वृंदावन निवास करते हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, सन्यासी थे, रासलीला देख करके बनारस से, अपनी रासमंडली की रासलीला देख रहे थे, बनारस से पैदल पैदल चल दिए और श्रीधाम वृंदावन आ गए। आज उन पर जो भी कृपा है वो रासलीला की है। पूज्य हरि बाबा, पूज्य उड़िया जी महाराज, पूज्य गया प्रसाद पंडित जी महाराज, कितने संतों के नाम गिनाए जिनका जीवन बदल दिया। रासलीला को तो एक विवादास्पद शब्द बना दिया है समाज ने, मतलब कोई गंदा कार्य करना तो रासलीला। उदाहरण देते हैं, रात भी हम लीला में कह रहे थे, 16108 पटरानियां, वो भगवान समाज जिसको स्वीकार नहीं कर रहा था उनको आश्रय दिया श्री कृष्ण ने, उनको आश्रय दिया। उसका उदाहरण तो आप ले लेते हैं कि हम दो चार करें तो क्या हमको नुकसान है, पर उन्होंने तो गिरिराज पर्वत को भी उठाया, और कनिष्ठ का उम्र पर 7 को उसका 21 किलोमीटर पर्वत को उठाया। आप खड़े होकर के 7 दिन दिखा दें, इसलिए हल्की चीज को न पकड़ें।
उसका अध्ययन करें, उसके विषय में जानें, जब उस पर कोई चर्चा करें। और पाठ्यक्रम में भारत सरकार से निवेदन है, पाठ्यक्रम में कुछ संस्कृति समृद्ध सिलेबस अवश्य होना चाहिए। अरे जैसे अभी बताया रासलीला की आप चर्चा कर रहे थे, आज भी लोगों के मन में संशय है, कई धारणाएं निकाल लेते हैं, रासलीला का कई मतलब निकाल लेते हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों को कुछ कहना चाहते हैं आप? हम क्या कहें, भगवान को सद्बुद्धि दे, अपराध के भागी बन रहे और अपने रासलीला की विवाद, रास का मतलब सभी रसों का समूह, यहां सभी रस हैं, सभी रसों नौ रसों का भी समूह, उसको रास और लीला जो भगवान ने लीलाएं की उसको, इसलिए रासलीला शब्द ये है। रासलीला का मतलब ये नहीं है कि दुष्चरित्रता, कोई उदाहरण बताओ तो सही हमको कि ये दुष्चरित्रता हुई कृष्ण चरित्र में। अध्ययन की कमी, ना पढ़ना है ना जानना है ना सत्संग करना है, महापुरुषों का संतों का सानिध्य प्राप्त करें, सत्संग करें तो जानकारी हो उस विषय में, सत्संग तो करते नहीं है, रात दिन तो व्यसनों में डूबे हुए हैं और चर्चा करेंगे ब्रह्म की तो क्या समझ में आएगा। ये थे हमारे साथ श्री कुंज बिहारी शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि रासलीला का क्या महत्व है जो मानव है उसके जीवन में। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि जैसे लोग अलग अलग धारणाएं रासलीला को लेकर अपने मन में धार लेते हैं, उस सब पे भी उन्होंने बताया है कि सिर्फ जानकारी के अभाव के चलते लोगों में ऐसी धारणाएं हैं, इसलिए इन सब से बचने की ज़रूरत है। पठानकोट से जतिन शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।